एवरीवन, तो आज हम वापस पतंगे लेके आए आपके सामने और आज की पतंग स्पेशल है जयपुर के मशहूर कारीगर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिदू भाई की। ये बहुत ही मशहूर कारीगर है, बहुत ही पुराने कारीगर है, बहुत ही शानदार पतंगे बनाते हैं। तो आज इनकी पतंगों का कलेक्शन दिखाता हूँ आपको, देखते रह जाओगे। तो आज इनकी कुछ गिनी चुनी पतंगे हैं वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, बड़ी मुश्किल से मिली थी मुझे। ये हमारे गिदू भाई की पतंग। तो आज का वीडियो बहुत ही खास गिदू भाई के लिए, जो उनका कलेक्शन है उनकी पतंग दिखा रहा हूँ मैं। तो ये हमारी पतंग है, देखो क्या शानदार पतंग है, टेक्निकल पतंग है, बहुत शानदार पतंग है। ब्लैक कलर का प्लेन पतंग है और ये प्लेन पतंग है, इसकी कमान ठट्टे देखो आप एक बार, इनकी स्पेशलिटी ये है कि कमान ठट्टे को शानदार लगा रहा है एकदम गुटे हुए सॉरी सीखे हुए। और टेपिंग ये मैंने खुद ने करी है, देखो कितनी शानदार टेपिंग करी है। ये टेपिंग इसलिए की जाती है ताकि जोड़ खुले नहीं हमारे जब पतंग रहे ना, तो ये देखो सारी टेपिंग मैंने खुद ने करी। एक एक पतंग पे इतनी बारीकी है, कितनी शानदार टेपिंग की गई है, सिमेट्री से सिमेट्री मिला के। ऐसी अब मैं दूसरी पतंग एक और दिखा रहा हूँ, ये हमारे गिदू भाई की पतंग दूसरी। ये देखो यहाँ पे अब मैं कैमरा मैन को बोलूँगा कि ये जूम करे इस मोहर पे, वो जो कोने में लग रही है, क्या शानदार डिजाइन दे रहा है, मजा आ गया देख के। वाह ये पतंग देखो क्या खूबसूरत कमान ठट्टे हैं, एकदम शानदार। और ये पेपर जो है, ये ऊपर जो पेपर लगा हुआ है इसको बटर पेपर बोलते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि बटर पेपर क्या होता है। ये जो है ये टेस्ट पेपर है, अगर ये कागज पे अलग अलग आते हैं तो इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये जो मोटी मोटी बात ये जान लो कि ये टेस्ट पेपर है और ये बटर पेपर है, जो ऊपर आपको मांगलदार डिजाइन दिख रहा है और बीच में कितना खूबसूरत ग्रीन कलर का स्टार दे रखा है गिदू भाई ने। ये पतंग की शानदार लग रही है, क्योंकि मैं इसी टेपिंग में भी अलग करी है, अलग पतंग वीडियो दिखा, अलग पतंग दिखाऊंगा उसके अंदर, देखना टेपिंग कैसे की गई। तो अब ये देखो दूसरी पतंग मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, गिदू भाई हमारे। इनकी पतंगों की खासियत ये होती है कि इनकी सिमेट्री बहुत शानदार होती है, देखो आप कहीं से भी देख लो पतंग को, पतंग को अगर मैं ऐसे रख के देखो आप लोगों को, देखो इसमें कुछ भी कोई डिज़ाइन में कुछ नहीं है, कोई हर तरफ से इसका सिमेट्री सेम होती है। कोई पतंग में कोई अगर इसको डिज़ाइन अगर चिपका ही लिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं डिज़ाइन अगर चिपका देते हैं ना, तो पतंग में एक लाइनिंग से आने लग जाती है या फिर वो थोड़ा भद्दा सा दिखता है। लेकिन यहाँ पे परफेक्शन अगर देखना है आपको तो गिदू भाई की पतंग में देख सकते हैं। जयपुर के बहुत नामचीन कारीगर हैं गिदू भाई, बहुत टॉप कारीगरों में से नाम आता है गिदू भाई का, उनकी पतंग है कमान ठट्टे। जो ज़्यादातर जो जयपुर में जो मैदानी पतंग उड़ाई जाती है उनमें ये कारीगरों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे मैंने पहले बताया था गोविंदनाथ जी थे, ऐसे ही हमारे गिदू भाई, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है पतंगों में। जो जयपुर से जो पेच लड़ते हैं या जयपुर के जो काइट क्लब्स हैं वो ज़्यादातर जो डिमांड करते हैं वो इन पतंगों की करते हैं, बहुत डिमांड में रहती है इन पतंगों की, और ये आसानी से मिलती और नहीं है, ये और बता दूँ मैं। और अच्छी पतंगों की खासियत ये होती है कि ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये यहाँ तक इन्होंने जो लगा रखा है, अच्छी पतंग की खासियत ये होती है कि ये जो होता है ना, ये ऊपर तक जाता है। ये ऊपर तक इसलिए जाता है कि वो जो कारीगर होते हैं ना उन पर ये रहता है कि आप पतंग जो उड़ाने वाला है वो छेद कहीं पे भी कर सके। कुछ लोग क्या करते हैं इसको यहीं छोड़ देते हैं यहाँ एंड, और ये इसलिए लगाया जाता है कि जब आप छेद करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये इसके ना, इसलिए लगाया जाता है। और कारीगर क्या बोलता है पतंगबाजों को कि तुम हम यहाँ तक दे दिए, अब तुम जहाँ मन करना है वहाँ छेद करो, मतलब ये कारीगर की बारीकियाँ बता रहा हूँ इस गिदू भाई की। और इसका पत्ता देखो आप कितना शानदार है, और ये जो कागज़ यूज़ करते हैं बहुत अच्छा कागज़ होता है, 4.7 kg, 4.4 kg, अजंता, फातिमा, टेस्ट पेपर, बहुत अच्छे अच्छे जो कागज़ होते हैं वो उनका यूज़ करते हैं। इसमें भी अलग अलग वेरियंट आते हैं। तो इस पतंग में मैं कितनी खास बात बताऊँ आपको, ये देखो इसे कमान ठट्टे देखो एकदम गोल है, सिके हुए हैं, शानदार है, और ऊपर से देखो एक पतला होता जा रहा है, मैंने बताया था ना। तो अच्छे कारीगर होते हैं वो क्या करते हैं, जो ठट्टा होता है ना उसको ऊपर से यहाँ से मोटा होते होते होता था, नीचे यहाँ से पतला हो जाता है। ये सारी पतंगों में दिखेगा आपको। अब इस पतंग में कितनी देर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस पतंग में बात करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है बताने के लिए। अब इस पर टेपिंग को आप खुद देख सकते हो, मैंने खुद ने करी, कितनी शानदार लगी। ये एक कलेक्शन है जो बहुत टॉप लेवल का कलेक्शन दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को।
अकॉर्डिंग टू मी। इसी तरह से हमारी एक और पतंग, ये देखो वाओ कितना शानदार ब्लैक कलर का पतंग, उसमें रेड कलर का स्टार बना हुआ है। और आप टेपिंग देख सकते हो कितनी शानदार है, कमांड ठट्टे सारे एकदम शानदार, सिकाई कितनी शानदार हो रखी है। और देखो पत्ता और मोहर इसने नीचे लगाते हैं, एकदम क्लियर मोहर लगाते हैं। इन कारीगर की खास बात यह है कि ये जो भी मैंने अभी तक पतंग दिखाई है, ज़्यादातर जो पतंग होती है वो डिज़ाइन के चक्कर में जो होती है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन इनकी डिज़ाइन लगने के बाद भी कोई भी पतंग में कोई भी कुछ गैप कुछ ऊपर नीचे कुछ नहीं है, एकदम परफेक्शन आ रहा है पतंगों में। सारी पतंगों में इसलिए दिखा रहा हूँ मैंने, देखो डिज़ाइन और क्या खूबसूरत टेपिंग करी है मैंने, क्रेडिट गोज़ टू मी। रेड 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 वाओ, आई कैन से ओनली वाओ, क्या शानदार वाओ। ओ हो इतना प्यारा कलर आ रहा है वापस से, ये इसमें एक चीज दिखाऊंगा, इसमें मैं क्यों दिखा रहा हूँ एक एक पतंग, ये एक एक पतंग दिखाने वाली है, एक एक पतंग दिखाने वाली है। अब इसमें ध्यान से देखना क्या इसमें घुटाई दिख रही है आप लोगों, अभी घुटाई देखो कितनी शानदार घुटाई है, एकदम डिसेंट क्लीन प्लेन लिटिल ये घुटाई है इसमें, सिर्फ इतनी सी यहाँ से लेके यहाँ तक और वहां से लेके वहां तक, बहुत महीन काम है, बहुत ही महीन काम। और देखो क्या शानदार ऑरेंज कलर का स्टार लगा है, पता नहीं एकदम क्लीन है कहीं से भी देख लो, एकदम शानदार बिल्कुल शानदार एकदम स्टार आपको क्लीन दिखेगा, क्लीन क्रिस्टल क्लियर है ना शानदार पतंग। ये ऐसा कलेक्शन दिखा रहा हूँ आपको जो इजीली आपको मिलेगा नहीं, बहुत शानदार पतंग दिखा रहा हूँ मैं आपको ईदू भाई। और ऐसा कलेक्शन देख के मजा आ जाएगा। ओहो ये देखो व्हाइट कलर का स्टार है, पिंक कलर का पत्ता है और घुटाई देखो दिख रही घुटाई, क्या घुटाई की है कारीगर ने, क्या क्रॉस बनाया है, क्या प्लस बनाया है क्रॉस बनाया है कुछ भी बोल सकते हो, बीच में ये मैंने करा है टेपिंग मैंने करी है, कमान ठड्डे देखो कितने शानदार है कारीगर के, कितना महीन काम किया है। आगे से भी दिखाता हूँ इसको, क्या पिंक कलर का पत्ता कॉम्बिनेशन देखो आप, ब्लैक कलर और पिंक कलर का पत्ता और ब्लू कलर की टेप और बीच में व्हाइट कलर का स्टार और टेपिंग देखो आप, हर चीज देखो इस पतंग में बारीकी आराम से देखो इन पतंग को, मजा आ जाएगा देख के, मन करेगा कि कब ये खजाना मिले आप लोगों को, ट्रेजर पता होगा खजाना। वाओ एक और ना खूबसूरत आ रहा है, वाह ये देखो क्या शानदार टेपिंग करी, क्या डिजाइन है इसमें, व्हाइट कलर का स्टार है और कितना खूबसूरत पतंग लग रहा है, ये सारे खूबसूरत पतंग है, इतने शानदार देखो कितना पुराना है, आप इसके पत्ते को देख के पता कर सकते हो कि पतंग कितनी पुरानी होगी, इसका पत्ता जो एक्सपीरियंस वाले होंगे ना दोस्तों वो बता देंगे कि इसकी उम्र कितनी होगी, इस पत्ते को देख के बता सकते हो आप कि इसकी उम्र कितनी होगी, इतना पतंगों के बारे में परफेक्शन होना पड़ता है जब आप माहिर हासिल कर लेते हो पतंग, शानदार छठे देखो सारे मस्त एकदम मस्त और एकदम क्लीन कागज देखो, टेस्ट पेपर है जितने पेपर यूज किए इसमें टेस्ट पेपर यूज किया गया, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा टेस्ट पेपर भी कुछ होता है,
ये वन ऑफ माय फेवरेट डिजाइन और कलर, ये कलर मुझे बहुत पसंद आता है। ये कलर देखो, पिंक कलर कितना शानदार है, लाइट पिंक और नीचे कितना शानदार पत्ता दे रखा है। कॉम्बिनेशन देखो दोनों का, हाँ नीचे की तरफ है, सॉरी ये जरा सी इस तरफ, ये साइड से इन्होंने यहाँ से करी, ये कैमरा मैन जैसा कि हमेशा की तरह बारीक है पकड़ते हुए, इन्होंने पकड़ लिया उठाई ये यहाँ से, ये देखो ये। और अब इसको आगे से दिखाऊंगा मैं आपको, और मजा आएगा। ये देखो क्या शानदार लग रही है, एक एक पतंग होता है ना, नगीने है, नगीने ये सारे पतंग नगीनों से भरे हुए, ये बैग पूरा नगीनों से भरा हुआ है, नगीने नगीने ये देखो सारे पतंग नगीने, कोई सही देखो सब पतंग नगीने हैं यहाँ सब पतंग। कोशिश भी मत करना सोचने की इनको उड़ा ले जाएंगे, कभी तो उड़ाओ इन पतंगों को, कभी तो पेच लड़ाओ, यार क्यों लड़ाए हम तुमसे, ताकि कट जाए और तुम ले जाओ इसको, नहीं उड़ेंगे पतंगे आसमान में, ध्यान रखना ये सिर्फ बक्से में रहेंगी, दिखाएंगे इन लोगों को, ललचाएंगे आप लोगों को कि आपके पास लालच देंगे आप लोगों को, देखिए बिकाऊ नहीं, नहीं उड़ेंगी पतंगे, सिर्फ प्लेन पतंगे उड़ाऊंगा, वो कट जाएगी दुख नहीं होगा, ये कट जाएगी दुख होगा, इसमें यहाँ छेद करेंगे तो भी दुख होगा, नहीं करने दूंगा छेद, दिस इज माय सेकंड लव। वाओ क्या शानदार, सोचना भी मत, बुरे ख्याल लाना भी मत इन पतंगों के बारे में, बिल्कुल मत लाना। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, इस वीडियो को बताना कमेंट बॉक्स में, पतंगों को बताना 10 में से कितने नंबर दोगे, खजाना है मेरा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे, और अगले वीडियो में हम ईदू की पतंगे दिखाएंगे और भी अच्छे अच्छे कारीगर लेके आएंगे आप लोगों के सामने, खजाने आने वाले हैं, नगीने बेहतरीन से बेहतरीन नगीने। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और